नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इंडियन म्यूजिक स्कूल के इस नए लेसन में। दोस्तों, आज का ये लेसन थ्योरी का लेसन है। संगीत में कुछ परिभाषिक शब्द हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आज हम उनकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा संगीत की परिभाषा क्या है। दोस्तों, बोलचाल की भाषा में संगीत केवल गायन को समझा जाता है। जो हम गाते हैं, हमें लगता है केवल संगीत वही है, मगर असल में संगीत जगत में गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। इस प्रकार संगीत के तीन मुख्य अंग हैं। सबसे पहला अंग है गायन, दूसरा अंग है वादन और तीसरा अंग है नृत्य। दोस्तों, पश्चिमी देशों में संगीत केवल गायन और वादन को समझा जाता है, वहां नृत्य को संगीत में नहीं रखा गया। मगर हिंदुस्तान में संगीत में ये तीनों चीजें आती हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों में घनिष्ठ संबंध रहा है। केवल इतना ही नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको संगीत की परिभाषा बताऊं तो वो इस प्रकार दी जाती है। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं संगीत पद्धतियों की। दोस्तों, भारत देश में मुख्य दो प्रकार का संगीत प्रचार में है, जिन्हें संगीत पद्धति कहते हैं। इनके नाम हैं उत्तरी संगीत पद्धति या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरी है दक्षिणी अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति। आइए दोस्तों, अब संगीत के प्रकार की बात करते हैं। भारतीय संगीत में मुख्य दो प्रकार हैं, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें नियमित शास्त्र होता है और जिसमें कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, शास्त्रीय संगीत में राग के नियमों का पालन करना पड़ता है, ना करने से राग हानि होती है। इसके अतिरिक्त लय ताल की सीमा में रहना पड़ता है। गीत का कौन सा प्रकार हम गा रहे हैं, उसका निर्वाह भी उसी प्रकार होना चाहिए। भाव संगीत में शास्त्रीय संगीत के समान कोई बंधन नहीं होता और ना इसका नियमित शास्त्र ही होता है। भाव संगीत का मुख्य उद्देश्य कानों को अच्छा लगना होता है, अतः इसमें कोई बंधन नहीं है। चाहे जो स्वर भी प्रयोग किया जाए, चाहे जिस ताल में भी गाया जाए, अलाप, तान, सरगम आदि कुछ भी प्रयोग किया जाए, भाव संगीत का मुख्य उद्देश्य रंजकता है। रंजकता यानी मनोरंजन करना। भाव संगीत को दूसरे लफ्जों में हम लाइट म्यूजिक भी कहते हैं। आइए दोस्तों, अब राग की बात करते हैं। ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जिसमें स्वर तथा वर्णों के कारण सौंदर्य हो, जो मानव के चित्त का रंजन करे, अर्थात जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे, बुद्धिमान लोग उसे राग कहते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे, राग कहलाती है। आजकल राग गायन ही प्रचार में है। दोस्तों, राग में कुछ बातों का होना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको बताता हूं। राग किसी ठाट से उत्पन्न होना चाहिए। आवाज की एक विशेष रचना होनी चाहिए। राग में स्वर तथा वर्ण होने चाहिए। रंजकता यानी सुंदरता होनी चाहिए। राग में कम से कम 5 स्वर अवश्य होने चाहिए। राग में एक स्वर के 2 रूप इकट्ठे लगाने, शास्त्रकारों ने इस चीज का विरोध किया है। जैसे कि कोमलगा और शुद्धगा, इन दोनों स्वरों को हम इकट्ठा नहीं लगा सकते। राग में अरोह तथा अवरोह होना आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना राग का रूप पहचाना नहीं जा सकता। किसी भी राग में षडज स्वर यानी कि 7 स्वर वर्जित नहीं होता। मध्यम और पंचम, ये दोनों स्वर एक साथ तथा एक ही समय कभी भी वर्जित नहीं होंगे। राग में वादी संवादी स्वर अवश्य रहते हैं, इन स्वरों पर ही विशेष जोर रहता है। आइए दोस्तों, अब राग की जाति की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ठाट के स्वरों में से ही राग तैयार होते हैं। ठाट में 7 स्वर होने जरूरी हैं, किंतु राग में यह जरूरी नहीं है कि 7 स्वर हों। अतः किसी भी ठाट के स्वरों में से 5, 6 या 7 स्वरों को लेकर जब कोई राग तैयार किया जाता है, तो जितने स्वर उस ठाट में से लिए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर उसकी जाति निश्चित की जाती है। इस प्रकार स्वरों की संख्या के अनुसार रागों की 3 जातियां मानी गई हैं, जिन्हें औड़व, शाड़व और संपूर्ण कहते हैं। दोस्तों, औड़व राग वो राग हैं जब किसी ठाट में से कोई 2 स्वर हटाकर कोई राग उत्पन्न किया जाता है, तो उसे औड़व राग कहते हैं। शाड़व राग वो हैं जब किसी ठाट में से केवल 1 स्वर वर्जित करके जब कोई राग उत्पन्न किया जाता है, तो उसे शाड़व राग कहते हैं। और संपूर्ण राग उस राग को कहा गया है जब किसी ठाट में से कोई स्वर ना घटाकर 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो उस राग को संपूर्ण राग कहते हैं। दोस्तों,
आपको ये चीज समझ आ गई होगी, जब हम पांच स्वरों का इस्तेमाल करके कोई राग बनाते हैं तो वो राग ऑर्डर राग में आता है, जब छह स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो वो राग शार्व रागों में आता है, और जब सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो वो संपूर्ण रागों में आता है। आइए दोस्तों, अब आरोह और अवरोह इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। गाते बजाते समय हम यह देखते हैं कि गायन अथवा वादन किसी एक स्वर पर बहुत समय तक नहीं ठहरता, बल्कि ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है। इसी को हम संगीत में आरोह अवरोह कहते हैं। आरोह अवरोह के शाब्दिक अर्थ के अनुसार स्वरों में चढ़ते हुए क्रम को आरोह, स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। आइए दोस्तों, अब वादी संवादी और अनुवादी स्वरों की बात करते हैं। दोस्तों, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तीन श्रेणियां हैं, वादी, संवादी और अनुवादी। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है, अर्थात राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाता है उसे वादी स्वर कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है संवादी स्वर। राग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर संवादी कहलाता है। इस स्वर का प्रयोग वादी स्वर की अपेक्षा कम तथा अन्य स्वरों की तुलना में अधिक होता है। आइए दोस्तों, अब अनुवादी स्वर की बात करते हैं। वादी संवादी के अतिरिक्त राग में प्रयोग किए जाने वाले सभी स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, राग में जो सबसे ज्यादा स्वर इस्तेमाल किया जाता है उसे वादी, और जो दूसरे नंबर पर वादी स्वर से कम इस्तेमाल किया जाता है उसे संवादी स्वर कहते हैं। यानी कि जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो वादी, जो दूसरे नंबर पर इस्तेमाल किया जाता है वो संवादी, और जो उसके अलावा सभी स्वर हैं वो अनुवादी स्वर कहलाएंगे। दोस्तों, ये थे कुछ परिभाषिक शब्द। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। जब तक हमें पता नहीं होगी कि किस स्वर की क्या परिभाषा है, किस स्वर को क्यों हम बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है, तब तक हमें राग सीखने में बहुत दिक्कत होगी। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।